पढ़ने जाती हो है? सभी बच्चों को देते, हमें नहीं देते। नहीं देते तुम्हें? और कोई बोलता भी नहीं है? दूर बैठाते हैं, सब बच्चों से दूर बैठाते हैं तुम्हें। पिताजी पहले हमारे दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद फिर आए तो मतलब छत्तीसगढ़ भिलाई में चले गए। वहाँ के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, वहाँ से आ गए वो, फिर यही मतलब तबीयत खराब यहीं रहते थे। फिर ये बच्चे सबसे सबसे बड़े सबसे पहली परेशानी है कि इनको प्यार नहीं मिल रहा है, और वो मतलब परिवार से निकाले गए हुए हैं, समाज से निकाले हुए हैं, और इनको पूरा समाज अछूत मानता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीमारी से गुजर रहे हैं, खांसी इनको आ रही है, और ऐसी स्थिति में इनके संरक्षण दाता जो थे माता पिता, वो भी खत्म हो चुके हैं, तो कौन इनका संरक्षण करे? आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे दिन भर इसी तरह पेड़ के नीचे गुजारते हैं, तो एक छत इनको मिलनी चाहिए कम से कम, जहाँ एक आनंद की खुशी की जीवन जी सके। तो सबसे बड़ी परेशानी इनको कोई प्यार से सुनता नहीं, और जहां भी जाते हैं सब लोग दुदकारते हैं, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम में जब देर होती है तो बच्चे या तो कोलैप्स हो जाते हैं या तो वो हाशिए से दूर हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर आए थे, तो वो कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ एड्स की जो है एड्स का प्रोग्राम है उसके मार्फत उनको दवाई हो रही है, देखिए एक्सप्लोर करिए कि कहाँ वो फिट होंगे, क्योंकि हमारे स्तर से नियमानुसार होने लायक होगा, मदद करेंगे। और यही बताया कि एक्सप्लोर करो कि कहाँ हम उनकी मदद कर सकते हैं।